अगली खबर में बात करते हैं क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टा को लेकर। मदन महल थाना क्षेत्र में स्थित महानंदा गुलजार होटल के पीछे ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपियों को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए नकद और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब मिला है। वहीं आरोपियों के पास से मिले मोबाइलों के आधार पर उनके ग्राहकों और ऑनलाइन देने वालों की पता साझी की जा रही है। कार्यवाही एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा के निर्देश के बाद की गई है। कोतवाली सीएसपी प्रभात शुक्ला के मुताबिक ब्रांच शुक्ला ने की क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि महानंदा गुलजार होटल के पीछे सनी नागपाल अपने घर से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करता है और अपने गुर्गों को आईडी उपलब्ध कराता है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए दबिश दी। दबिश के दौरान आरोपी सनी नागपाल सहजपुर भेड़ा घाट निवासी गोपाल श्रीवास आजाद वार्ड गोटे गांव निवासी कमलेश कुमार चौधरी और सहजपुर भेड़ा घाट निवासी राजेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सनी से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि वह डायमंड सुपर और अन्य एक्सचेंज के माध्यम से आईडी प्रोवाइड कराकर क्रिकेट सट्टा संचालित करता है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 8 मोबाइल और 11,45,000 रुपए नकद जब्त किए हैं। ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है तो उसमें क्राइम ब्रांच और मदन महल थाने की टीम बनाकर दबिश दी गई। तो वहाँ पे सनी नागपाल 28 साल का युवक है, वो मोबाइल से क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा रुपये का हर जिसका दाम लगा के खिलवाते हुए पाया गया। उसके साथ तीन अन्य व्यक्ति और मिले। इन तीनों के साथ उनके जब तलाशी ली गई और 8 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए उनके पास से, और जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 11,45,000 रुपये नकद ही मिले, जो कि हारे हुए लोगों के पैसे थे।